नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक SEO के फ्री कॉपी कंटेंट चेकर टूल के बारे में। आप इन टूल का यूज करके कॉपी कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि हमने जो लिखा है वो कॉपी कंटेंट कितना है और पर्टिकुलर वेबसाइट का भी कंटेंट चेक कर सकते। दोस्तों हम दो तरीके से आपको कंटेंट चेकर टूल के बारे में बताएंगे। एक पहला होगा जो कि आपके टेक्स्ट के कॉपी कंटेंट को चेक करके देगा और दूसरा होगा कि वो आपकी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करके देगा कि आपकी वेबसाइट में कितना कॉपी कंटेंट प्रोवाइड किया गया। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला वेबसाइट है यहाँ पर duplicatechecker.com, ये फ्री वेबसाइट है SEO की है। तो यहाँ पर आप दोस्तों अपने जो आपकी वेबसाइट का कॉपी कंटेंट है वो पर्टिकुलर आप चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट या आर्टिकल का, ठीक है। दूसरी है दोस्तों साइटलाइनर, यहाँ से आप पूरी वेबसाइट की कॉपी कंटेंट को चेक कर सकते हैं, आपकी जो टोटली पोस्ट है उसमें कितना कॉपी कंटेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे duplicatechecker.com। दोस्तों आप विशेष ध्यान देना कि इस टूल का यूज एक या दो बार ही कर सकते हैं, उसके बाद आप 24 आवर्स में फिर से आप दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ज़्यादा आप कहीं से कॉपी कंटेंट बार बार चेक करेंगे तो ये आपको ब्लॉक कर देगा आपकी आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो आप अपने जो एक दो आर्टिकल है उसको ही चेक करें। तो सिंपल से आपको दोस्तों जाना है, जैसे कि आपको पर्टिकुलर आपको पोस्ट को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो, TXT डॉक फाइल भी कर सकते हो, MS Word की PDF फाइल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 लिमिट पर एच टोटल वर्ड, मतलब एक हर वर्ड आप कॉपी कंटेंट चेक कर सकते हो उसके अंदर पूरे एक हर वर्ड के आप बाहर करते हो तो ये आपको चेक करके नहीं देगा, आप सिंपल से पास समझ लीजिए। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आपको URL है पर्टिकुलर पोस्ट का तो आप URL डाल दें, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अपन को जाना है चेक, ठीक है, चेक पे क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रामर चेक भी कर सकते हो, ठीक है, चेक यहाँ पर चेक फंक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्कैनिंग हो रही है, इसमें चेक कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दे दिया नंबर ऑफ 281 है, ठीक है। यहाँ पर यूनिक है, कोई रिलेटेड कंटेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी साइट का ले लेता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर, एंड यहाँ से ले लेता हूँ। तो सेकंड बार मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इतना कॉपी ले लेता हूँ एंड यहाँ से काफी इतना एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड चेक। देखिए यहाँ पे ये चेक कर रहा है स्कैनिंग, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर 100% दिखा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि ये कॉपी कंटेंट है, ठीक है, रिलेटेड मीनिंग नहीं है, लेकिन ये कॉपी है। इसको आप डालेंगे तो आपकी साइड में जब आप इसके URL चेक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी कंटेंट का इशू दे देगा, ठीक है, ये यूनिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर वर्ड का भी आप चेक कर सकते हो, कॉपी कंटेंट का किसी साइट का उठा के देख सकते हो। मैं पर्टिकुलर एक साइट भी ले लेता हूँ, यहाँ पर किसी की यहाँ पर ले लेते हैं वेबपीडिया की ले लेते हैं हम, या कंप्यूटर हुक की ले लेते हैं हम। यहाँ पर इतना कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये देखिए यूनिक कंटेंट नहीं है, यहाँ पे भी ना डुप्लीकेट कंटेंट मार रख लिया। अब दोस्तों आपको पर्टिकुलर वेबसाइट का क्या देना है तो वो भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पर मैं एक वेबसाइट का नेम ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइट डिजाइनर पे आप चेक कर रहे हैं फाइंड डुप्लीकेट कंटेंट, तो यहाँ पर मैंने पहले ही चेक कर दिया, तो ये यहाँ एक बार ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप अदर साइट का कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे डुप्लीकेट कंटेंट का इशू बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप अपने साइट डिजाइनर और यहाँ पर डुप्लीकेट चेकर टूल, ये दोनों ही वेबसाइट काफ़ी अच्छी हैं। इन पे आप डुप्लीकेट कंटेंट चेक कर सकते हो। duplicatedchecker.com पे आप अपने पर्टिकुलर आर्टिकल को कॉपी करके चेक कर लेते हो, किसी हमारे टेक्स्ट किसी और वेबसाइट से रिलेटेड तो नहीं है। और दूसरा, आप यहाँ पर वेबसाइट के पूरे कंटेंट को चेक कर सकते हो, वो है साइट लाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।